नमस्कार, मैं खुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 59 अफसरों का ट्रांसफर। स्पीड रडार गन से तेज गति पर लगाया जाएगा अंकुश। स्वास्थ्य विभाग में 7987 नए पदों पर होगी भर्ती। पैक हाउस इकाई लगाने के लिए आपको मिलेंगे 3 लाख तक की सब्सिडी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कुल 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाया, जिसमें 12 जिलों में अति पिछड़ा छात्राओं के लिए कन्या आवासीय विद्यालय बनाना, इससे कुल 6,240 छात्रा लाभान्वित होंगी। सदर अस्पतालों में ड्रेसर के 210 पदों की स्वीकृति। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी डिप्लोमा छात्रों से बंद पत्र के अधीन 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा हेतु 3,990 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति। समस्तीपुर में नया मेडिकल कॉलेज प्रमुख है। इसके साथ ही मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी। सोनपुर मेला इस वजह से है बेहद खास। सोनपुर मेला बिहार के सारण जिला में सोनपुर गांव के जगह पर लगने वाला मेला है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर महीने में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दी है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। सोनपुर पशु मेला में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहां से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े के बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाबबाई का जलवा होता था। स्पीड रडार गन से तेज गति पर लगाया जाएगा अंकुश। बिहार में लगातार सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ठोस कदम उठाया है। बिहार पुलिस इसके लिए सड़कों पर तेज गति पर अंकुश लगाने की कवायद तेज करने जा रही है। इसके लिए बिहार पुलिस स्पीड रडार गन की मदद लेंगे। स्पीड रडार गन निर्धारित गति से अधिक तेज चलने वाले वाहनों को नंबर प्लेट के साथ फोटो खींच लेती है। इसके बाद वाहन मालिक को स्वतः चालान चला जाता है। इसकी शुरुआत बिहार से गुजरने वाले वैसे 5 NH यानी नेशनल हाईवे पर होगी, जहां सबसे अधिक 50% हादसे होते हैं। बिहार में इन 5 हाईवे पर 1400 किलोमीटर में 114 हॉटस्पॉट हैं। इसके लिए बिहार के अधिकारियों की टीम तेलंगाना की प्रणाली का अध्ययन करने के बाद यूपी जा रही है। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सिस्टम पर तकनीकी अध्ययन करेंगे। बिहार बोर्ड ने महंगा किया प्रमाण पत्र निकालने की प्रोसेस शुल्क। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अहम जानकारी है। बिहार बोर्ड ने पुराने सर्टिफिकेट व मार्कशीट निकालने पर प्रोसेस शुल्क महंगा कर दिया है। आपको बता दें कि अब बिहार बोर्ड ने 15 वर्ष पुराने कागजात निकालने के लिए 2500 रुपये का शुल्क रखा है। ऐसे में बिहार बोर्ड के पास आउट विद्यार्थी 15 साल पुराना प्रमाण पत्र निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्रोसेस शुल्क देना होगा। प्रोसेस शुल्क अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके साथ ही 15 वर्ष से कम के लिए निर्धारित शुल्क में 500 रुपये जोड़ा जाएगा। CIL ने 108 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न डिसिप्लिन में मेडिकल एग्जीक्यूटिव के कुल मिलाकर 108 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में MBBS या PG डिप्लोमा या DNB या BDS डिग्री पास होने के साथ ही 1 से 3 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड बीते दिन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से 807 रिक्तियों को भरा जाना है। मालूम हो गया इससे पहले यह परीक्षा 21 सितंबर को निर्धारित की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग पर इसे 30 सितंबर कर दिया गया है। वहीं बीपीएससी पेपर लीक मामले के बाद प्रश्न पत्र में स्मार्ट लॉक का प्रयोग किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम शरण शर्मा की। 26 नवंबर 1919 को बेगूसराय के जिले के बरौनी में जन्मे राम शरण शर्मा एक भारतीय इतिहासकार और भारतविद थे, जिन्होंने प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास में विशेषज्ञता प्राप्त की। 1973 से 85 तक उन्होंने पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और 1965 से 1966 टोरंटो विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी थे। वह स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ साथी भी थे। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय फेलो 1958 से 81 और 1975 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के संस्थापक अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकार थे। रामशरण शर्मा का निधन 20 अगस्त 2011 को 91 वर्ष की आयु में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अब डाक विभाग आएगा आपके घर। डाक विभाग ने समय के साथ खुद में बदलाव करना शुरू कर दिया है। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से पोस्ट ऑफिस प्रचलन धीमा पड़ गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते बैंकों की संख्या और संदेश पहुंचाने के लिए बढ़ रहे डिजिटल ऑप्शन ने डाक विभाग की कमर तोड़ दी है, लेकिन इस बीच डाक विभाग ने एक नई पहल की है, जिसके बाद से पोस्ट ऑफिस का प्रचलन एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, देश भर के डाकघर को आपस में जोड़ा जा रहा है। पुराने मनी ऑर्डर के स्थान पर ई मनी ऑर्डर सेवा शुरू किया जा चुका है। अब डाकघर के खाते से रुपए निकालने की सुविधा भी लोगों को घर पर दी जा रही है। साथ ही ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग कर सकेंगे। टिकट की कीमत ऑनलाइन भुगतान करनी होगी। साथ ही आपको बताते चले कि फिलहाल यह सुविधा पहले चरण में बड़े ग्राहकों को दी जाएगी, फिर धीरे धीरे अन्य ग्राहकों को मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में 7,987 नए पदों पर होगी भर्तियां। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से बीते दिन कैबिनेट की बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विभिन्न विभागों में ड्रेसर, चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 7,987 पदों का सृजन करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसकी सूचना डिप्टी CM सह स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा, खुशखबरी, राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं पर्याप्त संख्या में कार्यबल बढ़ाने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के विभिन्न विभागों में ड्रेसर, चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 7,987 पदों का सृजन करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बिहार में रजिस्ट्री शटल की हुई शुरुआत। बिहार में रजिस्ट्री कराने वाले के लिए सरकार ने विशेष सुविधा बहाल की है, जिससे अब रजिस्ट्री करने और कराने वालों को काफ़ी सुविधा हो रही है। आपको बता दें कि लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए वाहन सेवा रजिस्ट्री शटल की मधुबनी छोड़ सभी जिलों में शुरुआत कर दी गई है। मधुबनी में तकनीकी कारणों की वजह से यह सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। इस सेवा के शुरुआत के बाद बिहारवासियों को रजिस्ट्री कार्यालय जाने में काफ़ी सुविधा होगी। साथ ही निबंधन विभाग के टोल फ्री नंबर 14554 और लैंडलाइन नंबर 0612-221-5195, दूसरा 22308676 पर लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अपने स्कूल पहुंचे मनोज वाजपेयी। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी पिछले कई दिनों से बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, फिर सोमेश्वर स्थान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद मनोज वाजपेयी बीते दिन अपने स्कूल पहुंचे, जहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। बता दें कि बीते दिन मनोज वाजपेयी के आर स्कूल पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। स्कूल पहुंचने के बाद उन्हें अपना बचपन याद आ गया। एक्टर मनोज वाजपेयी ने शिक्षकों बच्चों से मुलाकात भी की और उसके बाद स्कूल की ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि स्कूल से ही आपकी नींव पड़ती है और इसी जगह से यह तय होता है कि आप अपनी मंजिल को पाने में कितना सक्षम है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, इसकी नींव के आर स्कूल से ही पड़ी।
लौटते मानसून के बीच बिहार के हिस्से में अभी बारिश के आसार। बिहार में मानसून का मिजाज सुस्त होता हुआ दिख रहा है। बिहार में बारिश लाने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य से लौटने का संकेत दिया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में पंजाब, हरियाणा और पंजाब से लौट रहा है। इस दौरान बिहार में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान वज्रपात भी होने की आशंका है। ऐसे में खराब मौसम में घर से निकलने से सख्त परहेज करें। इस मानसून वज्रपात की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदनकर्ता में सबसे अधिक बीटेक स्टूडेंट्स। बिहार सरकार विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई वित्तीय असुविधा ना हो, इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुहैया करा रही है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप, संस्थान की फीस के अतिरिक्त रहने व खाने के लिए ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले सबसे अधिक 20% बीटेक के स्टूडेंट्स शामिल हैं, जबकि पॉलिटेक्निक, बीसीए, एमबीए, बीबीए, बीएम, बीएससी, बीएससी नर्सिंग के लिए 10-10% आवेदन आए हैं। एमसीए, बीए, बीएससी एवं बीकॉम, एमए, एमएससी एवं एमकॉम के लिए 5-5% आवेदन आए हैं। आपको बताते चले कि 15 सितंबर तक लगभग 2,828 आवेदन आए हैं। इसमें लगभग 2,000 आवेदन का निष्पादन हो चुका है, जिसमें 768 आवेदन पेंडिंग है। इसके निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 59 अफसरों का ट्रांसफर। बिहार प्रशासनिक सेवा के करीब 59 अफसरों का तबादला किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते दिन अधिसूचना जारी कर दी है। 8-8 सालों से एक ही जगह पर जमे अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। ये सभी संयुक्त सचिव स्तर, अपर समाहर्ता स्तर, उप सचिव स्तर के अधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक SFC के मुख्य महाप्रबंधक उदय प्रताप सिंह को संसदीय कार्य विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। आरा के अपर नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र पासवान को वन एवं पर्यावरण विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। पर्यावरण सचिव सुबोध कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग में निदेशक सह अपर सचिव बनाया गया है। और इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने कुल 59 अफसरों का तबादला कर दिया है। इंदिरा एकादशी के मौके पर गया में आज उमड़ेगी भारी भीड़। पितृपक्ष का महीना चल रहा है। पितृपक्ष के महीने में बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से लोग गया में अपने पितरों के लिए पिंड दान करने आते हैं। ऐसे में आज अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन है, जो कि पितृपक्ष में काफ़ी मायने रखता है। इस दिन अपने पितरों को पिंड दान करना अति शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन गया में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि अब तक करीब 6 लाख तीर्थयात्री गया पहुँच चुके हैं। इनमें पिंडदानियों की संख्या 4.25 लाख के करीब है। वहीं आज अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन सबसे अधिक पिंडदानियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। पैक हाउस इकाई लगाने के लिए आपको मिलेंगे 3 लाख तक की सब्सिडी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार आए दिन नए नए योजना लेकर आती है। किसानों को अलग अलग योजनाओं के जरिए दूसरे ग्रामीण व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है, जिसमें फूड और पैकेजिंग प्रोसेसिंग भी शामिल है। मालूम हो कि देश से सब्जियों और फलों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, ऐसे में इसकी पैकेजिंग भी अच्छी तरह से की जानी चाहिए। ऐसे में इसी उद्देश्य से अब बिहार सरकार द्वारा किसानों को पैक हाउस खोलने के लिए 50-75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस की अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर आपको 2 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं किसान उत्पादक संगठन FPO या FPC के लिए 75% अनुदान यानी कि 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नए निबंधन कार्यालय के लिए इन्हें मिला कार्यभार। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 11 नए निबंधन कार्यालय खोलने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब इन नए निबंधन कार्यालयों के लिए अवर निबंधकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार सबसे अधिक 3 निबंधन कार्यालय पटना जिले में खुलेंगे। इनमें संपत चक में नए कार्यालय के लिए आशीष कुमार अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। बेटा निबंधन कार्यालय के लिए नवीन कुमार और कुणाल गोस्वामी को फतुहा के निबंधन कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बेतिया जिले में चनपटिया के लिए संजय भारती एवं केशव राजा को लौरिया का प्रभार दिया गया है। वहीं अमृता कुमारी को पातेपुर, वंदना कुमारी को मनिहारी, खुशबू कुमारी को बांका, सत्या राय को पूर्णिया के बनमनखी, विशाल कुमार को बक्सर के डुमराव के अवर निबंधक की जिम्मेदारी दी गई है।
जगदानंद सिंह एक बार फिर बने राजद के प्रदेश अध्यक्ष। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जगदानंद सिंह पर भरोसा जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष का कमान उनके हाथों में सौंप दिया है। बता दें कि राजद के सांगठनिक चुनाव 16 अगस्त से शुरू है, जिसमें 19 सितंबर को जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को लेकर कहा था कि वो समाजवादी विचार के नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है। इसके बाद बीते दिन जगदानंद सिंह इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदानंद सिंह ने बिहार की राजद की कमान लगातार दूसरी बार संभाली है। इससे पहले जगदानंद सिंह ने साल 2019 में भी इस पद पर कार्यभार संभाला था। बीजेपी ने हमेशा नौकरी और रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा। रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार को लताड़ा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर अपना भड़ास निकाला है। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक ट्वीट किया है, जिसमें भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि झूठ और नफरत का कारोबार करने वाली बीजेपी ने हमेशा नौकरी और रोजगार के नाम पर देश प्रदेश के युवाओं को ठगा है, भ्रमित किया है, जो भाजपा ने नहीं किया और जो भाजपा सरकार कर नहीं पा रही है वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे शरद यादव। राजद नेता और पूर्व सांसद शरद यादव लगभग 3 साल बाद बीते दिन राजधानी पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक शरद यादव आज राजद की राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर शरद यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर मैं पटना आया हूँ। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि अभी भी वो हमें इतना पसंद करते हैं और हमारे विचार से प्रभावित हैं। देश में जो सरकार है वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। विपक्षी एकता जरूरी है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको एक होना होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हमें उम्मीद है सब ठीक होगा। अमित शाह से पहले बिहार में बरसे गिरिराज सिंह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह भाजपा नेता अमित शाह 23 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां से वो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंकने वाले हैं। उससे पहले भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के तुष्टिकरण की नीति के कारण पूर्वांचल में मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज पूर्वांचल का इलाका गौ तस्करी का अड्डा बन गया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ राजनेता उन्हें धार्मिक और राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोग आज घुसपैठ के लठैत बन गए हैं। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे क्लर्क के पद के लिए लगने वाले शुल्क के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे क्लर्क के पद के लिए ज्वाइनिंग लेटर प्राप्तकर्ता को लगने वाले शुल्क के बारे में। दरअसल पीआईबी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर क्लर्क के पद के लिए जारी एक ज्वाइनिंग लेटर प्राप्तकर्ता को परीक्षा फाइल शुल्क करने के रूप में 3,880 रुपए जमा करने के लिए कह रहा है। पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है। साथ ही कहा है कि रेलवे मंत्रालय ने इस तरह के कोई भी लेटर जारी नहीं किए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। हिंदी में श्रेष्ठ हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी लेखक अन्नपूर्णानंद का जन्म 1895 में हुआ। हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अज़रा का जन्म 1895 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी थे, जो 1948 से 1954 तक सौराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उंच गराय नवल शंकर ढेवर का जन्म 1905 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां का जन्म 1926 में हुआ, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया। भारतीय फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म 1980 में हुआ। आमिर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा सवाई जयसिंह का निधन 1743 में हुआ। महिला अधिकारों के समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला एनी बेसेंट की मृत्यु 1933 में हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पत्रकार, समाज कार्यकर्ता तथा सांसद अमरनाथ विद्यालंकार का निधन 1985 में हुआ। भारत एवं ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 2000 में हुई। गर्भाशय घोटाला मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को दिए निर्देश। बिहार के बहुचर्चित घोटालों में से एक गर्भाशय घोटाला मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में चल रही है। इस दौरान बीते दिन पटना हाई कोर्ट में गर्भाशय घोटाला मामले में सुनवाई की गई। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इन मामलों में केंद्रीय कानून के तहत मामले दर्ज करने के संबंध हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा हलफनामा पर दायर करने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि गर्भाशय घोटाला एक ऐसा घोटाला है, जिसमें वर्ष 2011 में बीपीएल परिवार के लोगों के मुफ्त इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई थी। इसमें बिना गर्भाशय निकाले ही ऑपरेशन दिखाकर राशि की निकासी के लिए बिल भेजा गया, जो बाद में जांच में फर्जी पाया गया था।
बिहार में मिले कोविड 19 के 50 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 23 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 299 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया, भागलपुर, कैमूर, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में एक, मधुबनी, पूर्णिया और रोहतास में दो, जहानाबाद में 4 और पटना में 8 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 84,450 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 123 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद पासवान, राकेश कुमार, सुनील कुमार, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य, कुंदन कुमार, शंकर मुखिया, अजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, पवन सिंह विकास और सरिता सोनी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार महागठबंधन की सरकार में आने से पहले तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, क्या वो टारगेट पूरा करते हुए दिख रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।